आज की हमारी रेसिपी है सेवई उपमा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गेट इंस्पायर्ड व्लॉग्स में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। सेवई उपमा बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन को गैस पर चढ़ाएंगे और उसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा भून लें, प्याज का कलर हल्का चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें फ्रेंच बीन्स डालेंगे, कटे हुए आलू डालेंगे और कटे हुए गाजर डालेंगे। सब्जियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इन्हें लगभग 2 मिनट तक पकने दें। लगभग 2 मिनट के बाद हमारी सब्जियां कुछ पक गई हैं। अब इसके बाद हम इसमें बाकी बची हुई सब्जियां डालेंगे। हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और हरी मटर डालेंगे। मैंने फ्रोज़न हरी मटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप पहले डाल लें। सब्जियों को हम थोड़ी देर तक पकाएंगे। उसके बाद हम उसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और उसके बाद हम इसे मिला लेंगे। ये मैं इसे मिला लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें आप अगर चाहें तो। लगभग 2 से 3 चम्मच आप इसमें पानी डालें और उसके बाद सब्जियों को ढककर कम से कम 4 से 5 मिनट तक पका लें। लगभग 5 मिनट तक पकने के बाद मैंने ढक्कन हटाया और ये देखिए अब हमारी सब्जियाँ लगभग पककर बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए अब हम इसमें सेवई मिलाएंगे। तो ये मैं इसमें 1 कप सेवई मिला देता हूँ। ये मैंने बिल्कुल बारीक वाली सेवई ली है। आप अगर चाहें तो मोटी सेवई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेवई को अच्छी तरीके से सब्जियों में मिला लें आप। इसे ध्यान से मिलाएं ताकि ये बहुत ज़्यादा नहीं टूटे। उसके बाद हम इसमें लगभग 3/4 कप पानी डालेंगे। ये मैंने नाप कर इसमें 3/4 कप पानी डाल दिया और अब हम इसमें नमक डालेंगे। अपने स्वाद के हिसाब से आप इसमें नमक मिला दीजिए। ये मैंने इसमें नमक मिला दिया है। इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। ये मैं नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर देता हूँ और उसके बाद अब हम इसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे। ये लीजिए, मैंने इस पे ढक्कन लगा दिया है। अब इसे मैं 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगा मीडियम फ्लेम पर। लगभग 5 मिनट तक पकने के बाद ये देखिए सेवई ने पानी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। एक बार चेक कर लीजिए आपकी सेवई पक गई है या नहीं। मेरी सेवइयाँ बिल्कुल पक कर तैयार हो गई हैं। अब हमारा सेवई उपमा बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसे सर्व करने से पहले आप फ्लेम को ऑफ करिए और उसके बाद इसे ढक्कन लगाकर कम से कम 5 से 10 मिनट तक के लिए छोड़ दें। उससे क्या होगा, उससे आपकी सेवई खिल जाएगी। ये मैंने एक प्लेट ले लिया है और उसमें ये मैं अपना सेवई उपमा सर्व कर देता हूँ। आज की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।